साजिश है मुमरा को बदनाम करने के लिए, साजिश है महाराष्ट्र में दंगे करने के लिए, साजिश है हिंदू और मुसलमानों में दीवार तैयार करने को। चार से लड़के दिखाओ, नहीं तो मुमरा की माफी मांगो। मैं इस्ताबुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि शहनवाज की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुमरा शहर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देते हुए तमाम नौजवान जो है आज एक मोर्चा निकाले थे। मुमरा रेलवे स्टेशन से लेकर जो है ये मोर्चा मुमरा पुलिस स्टेशन के बगल में ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक है, वहाँ तक ये मोर्चा निकाला गया था। और इस मोर्चे में जो नौजवान युवक थे उन्हें सपोर्ट करने के लिए जो कलवा मुमरा के विधायक हैं जितेंद्र भाट, वो भी इस मोर्चे में पहुंचे थे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शहनवाज की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन पुलिस पर भी जो है यहाँ के आमदार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिसने 400 लोगों की इंफॉर्मेशन दी थी उसको भी हिरासत में लेकर पुलिस को पूछताछ करना चाहिए कि आखिर 400 लोगों की जानकारी उस शख्स के तक कैसे पहुंची और वो 400 लोग कौन हैं, उनके क्या नाम है, वो कहाँ रहते हैं। इस तरह का जो बयान यहाँ के आमदार जितेंद्र भाट ने दिया है और उनका साफ कहना है कि ये राजनीतिक तौर पर मुमरा की बदनामी करने की एक साजिश, एक षड्यंत्र चल रही है। हमने बात किया है जितेंद्र आवाहट से, जो कलवा मुमरा के विधायक है एनसीपी के, जिस तरह से मुमरा रेलवे स्टेशन से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक तक की मोर्चा निकाला गया था, इस दौरान गाजियाबाद पुलिस और थाने पुलिस पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ की जो पुलिस है थाने की, ये इस मामले में बेहद ही खामोश नजर आ रही है। इनसे जब सवाल होता है तो वो साफ तौर पर कहते हैं ये मामला जो है गाजियाबाद में दर्ज हुआ है, जो भी जानकारी है वो गाजियाबाद पुलिस जो है इस मामले में जानकारी देगी। ये सिर्फ उनके कहने पर आरोपी को पकड़ने में मदद करते थे और आज कहीं ना कहीं जो शहनवाज आरोपी है ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतर करने का जो मामला बताया जा रहा है, वो अलीबाग से जो है शहनवाज को आज गिरफ्तार किया गया और शाम 5 बजे के आसपास मुमरा पुलिस स्टेशन जो है शहनवाज को लाया गया है। लेकिन जिस तरह से इस मामले को लेकर आज एक हिंदू मुस्लिम एकता की यहां पर रैली निकाली गई और इस रैली में शामिल हुए यहां के एनसीपी के कलवा मुमरा विधायक जितेंद्र भाट सरकार पर निशाना साधते हुए और पुलिस पर सवाल खड़ा करते हुए इस मामले को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। आरोपी कोई भी रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल इतना है कि 400 बच्चे जो धर्मांतरित हुए हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ से है, हमको पुलिस से जानकारी चाहिए। बिना वजह मुमरा का नाम लेना और मुमरा को बदनाम करना ये अब बच्चे लोग सहन नहीं करेंगे। ये आज नौजवान जो बच्चे लोगों ने चल के आए यहाँ तक, इनका कोई राजनीति संबंध नहीं, कोई सियासती संबंध नहीं, आपको किसी का झंडा नहीं दिख रहा था। इन्होंने तो सिर्फ मुझे इसलिए बुलाया कि आप हमारे MLA हो, आपको हमको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि हमारी तकदीर खतरे में है। हिंदू मुस्लिम सामने मामला आ रहा है, हिंदू मुस्लिम का जो है उन नाम बदनाम किया जा रहा है। नहीं, हिंदू मुसलमान जबरदस्ती लगाया जा रहा है। मुमरा ये कोई मुसलमानों का शहर है ऐसा मत समझो, इधर हिंदू भाई भी रहते 25% और आराम से रहते, सालों साल इकट्ठा रहते। वो जो कौसा गाँव है, वो कौसा गाँव का इतिहास 600-700 साल पुराना है और गाँव में आप जाओगे तो एक बाजू में हिंदू है तो दूसरे बाजू में मुसलमान है, लग लग के घर है। युवा का कहना है अभी जॉब के भी वृद्धि हुई है, अरे इसमें सब में भी प्रॉब्लम आएगा। मुमरा में जितना इन्वेस्टमेंट आता है वो इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया, वो जो घर बेचते हैं यहाँ से शील तक उनका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, लोग शक की नजर से देखते हैं। इससे बहुत बड़ी तकलीफ मुमरा के लोगों की होगी, बच्चों को होगी। और इससे हम सबसे बाहर आ गए थे, मुमरा में 2008-2009 में एक बैंक थी, आज 12-13 बैंक है। आज ATM के बहुत सारे, जो पहले एक ज़माना था कि मुमरा में सिम कार्ड नहीं मिलता था, मुमरा में लोन्स नहीं मिलते थे, अब सब शुरू हो गया है। उसके बाद ये जब न्यूज़ आती है तो ये साजिश के तहत कोई मुमरा को बदनाम कर रहा है और इसके पीछे कोई तो भी राजनीतिक खेल है ऐसा सबको शक हो रहा है। लेकर भी विवाद चल रहा है, जो उर्दू में बैनर्स लगाए गए हैं तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। इस्लाम की शहजादी के बारे में नीतीश राणे कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान। कहा था कि मैं लेटर लिखकर उस अधिकारी के ऊपर जांच की मांग करूंगा,
आज वो अरेस्ट हुआ है तो क्या आपकी मांग रहेंगे? ऐसा है, कौन अरेस्ट हो गया? शाहनवाज क्या करता है? ऑनलाइन गेम के जरिए। वो ऑनलाइन गेम के जरिए करता है, 400 लड़के मुमरा के है क्या? नहीं। तो फिर हम पूछ रहे हो, वो शाहनवाज को पकड़ो और फांसी दे दो, हमको क्या करने का है? मुमरा का बच्चा है क्या कोई? और गेमिंग से धर्मांतरण होता है क्या? मजाक है क्या? मुसलमान बच्चा लिखा, गेमिंग का नाम दे दिया, डाल दिया, बोल दिया धर्मांतरण, मुसलमानों को बदनाम करने में लगता क्या है? क्या किया शाहनवाज ने? गेम से कभी धर्मांतरण होता है क्या? मूर्ख समझते हो लोगों को? तो नितेश राणे का कहना है कि मिनी पाकिस्तान हो चुका है। अरे वो मिनी चाइना का आदमी है ना। आपको भी टारगेट किया जाता है उमरा के बाद, आपको भी टारगेट? ऐसा है, मैं टारगेट होने से डरता नहीं हूँ, मैं सच्चाई के लिए किसी के भी साथ खड़ा रहूंगा, वो कोई भी जात का हो, वो कोई भी धर्म का हो, वो कोई भी प्रांत का हो, अगर उसके ऊपर अन्याय अत्याचार होगा तो मेरा बाप जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर, उसने बताया है चाहे तुम अकेले रहो लेकिन उसका साथ। सर, धर्मांतरण के मामले में आज बुक मार्च निकाला गया है मुमरा के स्थानीय लोगों की ओर से, क्या कहना चाहेंगे इसके? मैं खुश हूँ कि नॉन पॉलिटिकल बच्चे जिनका कोई राजनीति संबंध नहीं, मैं दूर से देख रहा था, परसों से मैं बैनर देख रहा था इनके, सब सोशल मीडिया पे वॉच रखे था, कोई राजनीति करने वाला बच्चा नहीं, तो भी अगर 500 बच्चे बाहर आते हैं और उनके माँ बाप कहते हैं कि जाओ तुम लड़ो, इसका आसानी से मतलब आसान मत समझो, अब मुमरा अपनी बदनामी सहन नहीं करेगा। हमको बाप दिखाओ, नहीं तो मराठी में कहते हैं बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करवाओ, तो हमको बाप दिखाओ। ये हम थाना पुलिस से पूछना चाहते हैं, सच्चाई क्या है बताओ। आप छुप छुप के नहीं बैठ सकते कि वो गाजियाबाद पुलिस कर रही है, अगर गाजियाबाद पुलिस कर रही है तो आप लॉक लगा लो और गाजियाबाद पुलिस को बोलो रास्ते पे खड़े रहे, फिर देखो उनके हाल। मजाक है क्या? तुम किसी शहर को बदनाम करते हो तब? जिसने कॉल के जरिए इन्फॉर्म किया था, 400 लोगों का आंकड़ा बताया था, क्या गाजियाबाद पुलिस की जिम्मेदारी नहीं कि उस शख्स को भी हिरासत में ले? अरे भाई साहब, मैं वही बोल रहा, मैं कब से यही बोल रहा हूँ ना, क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? मैं तुमको बता दूं कि 1000 लोग मारे गए पूरे पहाड़ के पीछे, तो तुम क्या न्यूज चला दोगे? जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है कि नहीं? हमको 400 लड़के दिखाओ नहीं तो मुमरा की माफी मांगो। सर, तो आपको क्या लगता है मुमरा को बदनाम करने के लिए सब किया? साजिश है मुमरा को बदनाम करने के लिए, साजिश है महाराष्ट्र में दंगे करने के लिए, साजिश है हिंदू और मुसलमानों में दीवार तैयार करने।